ઓફ વડોદરા। नवली नौरता ने हवे गणतरीना दिवसों बाकी रहा है तेरे नवरात्रि पर्व ने लईने पुलिस कमिश्नरे एक पत्रकार परिषद योजी हती। नवरात्रि महोत्सव ने हवे गणतरीना दिवसों बाकी रहा है त्यारे गरबा आयोजकों ने तकेदारी ना भागरूपे पुलिस कमिश्नर द्वारा पत्रकार परिषद योजी प्रेस नोट जाहिर करी हती, जेमा दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण नवरात्रिनो तहेवार उत्साह ने भक्तिभाव वातावरण में तेमज आनंद उल्लास से उजवाय ते माटे गुजरात सरकार की पहल मुजब गरबानी हेल्थ गाइडलाइन बहार पाडवामां आवी छे। नवरात्रिना तहेवारने हवे गणतरीना दिवसों बाकी छे त्यारे खेलैयाओनी साथे सौथी वधु चिंता हेल्थ विभागने पण थई छे, जेनुं मुख्य कारण वधता हार्ट एटेकना बनावो छे। युवानोमां हार्ट एटेकना केस वधी रह्या छे, तेने जोता राज्य सरकार तरफथी नवरात्रि आयोजको माटे खास मार्गदर्शिका जाहेर करवामां आवी छे। वडोदरा शहर में गुजरात का, अपने देश का और विश्व विख्यात गरबा का आयोजन किया जाता है और लगभग जो है काफ़ी बहुत सारे लोग जो विदेशों से भी आते हैं, अपने देश के अलग अलग जगहों से आते हैं, वडोदरा शहर के अगल बगल के भी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये गरबा में लगभग 27 जितने ऐसे जो गरबा का आयोजन होता है जो कमर्शियल बेस्ड पे होता है, जहाँ पर लगभग 20,000 से लेकर 40,000 तक के गरबा खेलने वाले लोग होते हैं। इनके अलावा जो गरबा देखने वाले भी लोग वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा 728 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे जो शेरी गरबा जिसको बोलते हैं, जो अलग अलग सोसाइटी विस्तार में, अलग अलग जो हमारे पुराने विस्तार हैं, जो वहाँ पोड़ हैं, उस एरिया में जो लोग गरबा करते हैं वो लगभग 728 जितने हैं। इन सभी को आयोजन अच्छे से हो, आयोजन में पुलिस डिपार्टमेंट और सारे आयोजक का संकलन ऐसा रहे कि अपने बड़ौदा शहर में जो भी गरबा का आयोजन हो खूब अच्छे से खूब लोग एंजॉय कर सके बिना कोई विघ्न के। इसकी तैयारी के भाग रूप हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपना गरबा आयोजकों को सूचित किया है कि जो उनको पालन करना है, जैसे कि बताया गया है कि पूरे समग्र जितने भी गरबा का प्लेस है, पार्किंग है, वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ जिससे वहाँ पर सारी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जाए। और इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो एग्जिट जितने गेट बनाए जाए वहाँ पे प्रॉपरली उसको दर्शाया जाए, वहाँ पे लाइटिंग किया जाए और जब गरबा में ब्रेक होता है उसको अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इस रास्ते से एग्जिट लेनी की है। इमरजेंसी के सिचुएशन में फायर की गाड़ी हो या पुलिस गाड़ी हो, एम्बुलेंस गाड़ी हो, उनका स्मूथ वहाँ से जो है मूवमेंट हो सके, इसके लिए एक अलग से ट्रैफिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस वहाँ पर ना रखा जाए। और उसके अलावा जो पार्किंग एरिया होते हैं, बाहर पार्किंग होती है, बाहर एक साथ जब छूटते हैं एक एक गरबा से अगर 30,000-40,000 लोग छूटते हैं, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी चले, लोग जल्दी अपने समय से घर पहुँच जाएँ, इसके लिए बड़ौदा शहर ट्रैफिक पुलिस और IIDO के जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ संकलन किया गया है। और उसके अलावा जो जितने भी मंडप वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग खेलते हैं, जहाँ पे गरबा के गीत गाए जाते हैं, वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से फायर का तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से वहाँ पे उनके तरफ से भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं जिसको सबको पालन करने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट में कोई लीकेज नहीं हो, उसके लिए जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास से NOC लेने के लिए भी उनको बताया जा रहा है। इतनी जब हमारी बहनें आती हैं गरबा के लिए, जो बड़ौदा शहर पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, उसमें खास करके सी टीम की जो हमारी महिला अधिकारी हैं, महिला जवान हैं, वो सारे लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में भी इनके बीच में रहेंगे गरबा खेलने वालों के बीच में, और ये आइडेंटिफाई करेंगे और वाच करेंगे कोई हमारे बहनों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है जो है। उसके अलावा जो हमारी सी टीम का, अभियान टीम का और पुलिस ड्रेस बनाने के लिए बोला गया है, जिससे इनकेस ऑफ कोई भी हेल्प के लिए जो इमिडिएटली अपना कोई भी जो गरबा खेलने वाला या कोई लोग वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सके जो है। पूरे शहर में अलग अलग विस्तारों में ये बड़े गरबा के अलावा जो छोटे गरबा हैं, जहाँ पे शहरी गरबा हैं वो सब पुराने विस्तार में है, जो यहाँ का ओल्ड विस्तार है बड़ौदा के वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ भी प्रॉपर पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। और जो हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे अंधेरा रहता है, बड़े बड़े गार्डन है या कोई इस तरह से जगह है, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए जो आयोजक हैं उनको बोला गया, और साथ साथ कॉर्पोरेशन और पुलिस को भी जो इमरजेंसी लाइट होती है वो भी हम लोग लगा रहे हैं।
और हम अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि किसी भी प्रकार का ये समय में कोई सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज कोई ना वहाँ पे वायरल करें जिसके वजह से किसी की जो है भावना को ठेस पहुँचे, चाहे किसी कौम की हो, चाहे अंदर अंदर हो, चाहे एक ही जाति हो या किसी समाज के अंदर अंदर हो, जिससे कि कोई किसी को हानि पहुँचाया जा सके। और जो साइबर क्राइम की टीम है बड़ौदा शहर पुलिस की, उनके अलग से जो चुनिंदा अधिकारियों की टीम बना के लगाया गया है कि सारे लोगों के ऊपर वॉच रख रहे हैं, कोई भी मैसेज करने वाला या मैसेज पे कमेंट करने वाला जो ऐसा रहेगा, कोई जो ऑब्जेक्शनेबल मैसेज रहेगा, तो उनके ऊपर इमिडिएटली कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे और पुलिस खुद फरियादी करके ऐसे लोगों को गुनाह दाखिल करके अरेस्ट करेगी। इससे मैं अपील भी करता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें, किसी भी प्रकार के ऐसे जो पोस्ट करने से अपने आप को दूर रखें, और जो अभी 15 तारीख से 24 तारीख तक दशहरा एकदम अच्छे से माहौल में सभी लोग इंजॉय करते हुए इन अपने जो सबसे अच्छा त्यौहार जो हमारे बड़ौदा के बोलते हैं कि जिसमें पूरा शहर इंजॉय करता है, 10 लाख से आसपास लोग जो गरबा का एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को आनंद में किसी